हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे कोई स्वीट रेसिपी। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक पैन लेना है और उसे गर्म करना है। उसमें डालने हैं एक कटोरी के अब मेल्टेड घी। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप एक स्टेप छोड़ दोगे और स्वीट जैसी आपको चाहिए वैसी नहीं बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें एक पैन लेना है, उसे गर्म करना है। उसमें डालना है 4 बड़े चम्मच घी। उसके बाद हमें थोड़ा से सौंफ लेनी है, 2-3 चुटकी, और उसे भून लेना है घी में। उसके बाद हमें एक बोल 100 ग्राम के आसपास सूजी लेनी है और उसे अच्छी तरीके से भूनना है घी में। जैसे ही वो अच्छी तरीके से हल्का सा एकदम लाइट गोल्डन हो जाए, उसके बाद हमें जो हमने शुगर का पानी बनाया था चीनी को बॉईल करके, हम उसे मिला देंगे। गाइस, हम इसमें कलर मिला सकते थे पहले ही, लेकिन मुझे 2 टाइप की स्वीट चाहिए, रेड और ग्रीन, तो मैं इसमें नहीं डालूंगी, बाद में डालूंगी। वैसे भी मेरे पास जो कलर है फूड कलर, वो लिक्विड नहीं मिला, तो मैं वैसे ही ले आई हूँ सूखा कलर। तो चलो गाइस, अब हमारी जो सूजी है एकदम रेडी है। अब हमें इसमें क्या क्या मिलाना है अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। जब तक ये कढ़ाई ना छोड़े तब तक ये आपको इसे अलटते पलटते रहना है, ढंग से पकाना है इसे। बिल्कुल जब ये छोड़ दे, अगर आपको लगे ये ज़्यादा रूखा हो रहा है, तो गाइस आप इसमें 1-2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। और जो हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाने वाले हैं, हमें अभी नहीं मिलाना है इसमें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, 5 मिनट से ठंडा कर लेना, और उसके बाद आगे का स्टेप ये देखिएगा। मैंने इसे निकाल लिया है एक बड़े से बोल में। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और इसमें मिला लूंगी मिल्क पाउडर। अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें 40 ग्राम के अबव मिल्क पाउडर डाला। अब गाइस, मुझे सीजर नहीं मिल रही है, तो मुझे इसे हाथ से ही फाड़ना पड़ेगा। आपके पास सीजर है तो आप उससे फाड़ लेना। गाइस, अब हम इंडियन हैं तो थोड़ा सा जिद्दी होना तो बनता है, क्यों गाइस। इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं। गाइस, मैं इसे चम्मच से मिला रही हूँ। गाइस, अगर आप हाथ से मिलाना चाहते हो तो आप हाथ से मिला लेना इसे। वैसे ये ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए मैं इसे चम्मच से मिला रही हूँ। अगर ये थोड़ा ठंडा होता तो हाथ से मिलाने में ईजी होती है। देखिए गाइस, भाप फूट रही है इसकी। और गाइस, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट होगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा और आप इसे बनाना चाहोगे घर में दोबारा। और गाइस, ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे कलरफुल बना रही हूँ। आप चाहो तो इसे बिना कलर के भी बना सकते हो। ये स्वीट बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। मेरे पास तो इस समय ऑरेंज और ग्रीन ही पड़ा है। अगर आपके पास पिंक पड़ा है या कोई और कलर भी है तो गाइस आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके 2 पार्ट कर दूँगी। ये मैंने मिला लिया अच्छी तरीके से। देखो, आप हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी फूड कलर। ये मैंने लिया ऑरेंज कलर। ज़्यादा नहीं डालना है गाइस इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा ही काफ़ी अच्छा टेक्सचर देता है। ज़्यादा डाल दिया तो ये बहुत ही डार्क हो जाएगा, उतना अच्छा हमें नहीं चाहिए कलर। तो हमें मीडियम कलर चाहिए, तो ये देखिए गाइस, वैसे भी ये थोड़ा सा डालने में ही काफ़ी रहता है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो गाइस मैंने इसे हाथ से ही ढंग से मिक्स कर दिया। ये देखिए गाइस, इसका जो घी है वो निकल के आ रहा है। अब हम दूसरा पार्ट भी ऐसे ही 3 चुटकी ग्रीन कलर इसमें मिला लेंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि लिक्विड कलर काफ़ी महंगा है इसके मुकाबले, लेकिन लिक्विड कलर ठीक भी नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने मिला के देखा था पिछली बार, वो एकदम ही चिपचिपा हो गया था, एकदम कीचड़ टाइप का। यही कलर बेस्ट रहेगा, सूखा कलर इस चीज़ के लिए। अब गाइस, हमें बोल लेने हैं आपके पास जैसे साइज़ के पड़े हैं, और उसमें थोड़ा सा बटर घी लगाना है और उसे अच्छे से उसमें उसको सेप दे देना है, ताकि जब हम पीस काटें तो बिल्कुल अच्छे लगे, प्रोफेशनल लगें। ये देखिए गाइस, जितना आपको सेप देना, अगर इतना मतलब मेरे जो बर्तन था उसके हिसाब से ये कम पड़ रहा था, तो मैंने साइड से कट कर दिया है ऐसे। ये देखिए गाइस, ग्रीन वाला, ये देखिए गाइस,
इसके स्लाइस। अब हमें इस पे, हमने इसका कवर लगाया है चांदी का, आप गोल्डन भी लगा सकते हैं या नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। गाइस आप इसे रख भी सकते हो, 3-4 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो। मैंने इसे स्क्वायर शेप दिया है, आप जैसा आपका मन करे वैसे आप शेप दे सकते हो। गोल इसके पेड़े भी बना सकते हो आप। अब गाइस ये काफ़ी अच्छा हो गया है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था गाइस 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठोस हो जाए, क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो ये बहुत ही घी का बना हुआ है तो थोड़ा सा गुलगुली टाइप का होता है। ये देखिए गाइस मैंने इसे काट लिया है, अब आप इसके शेप देख सकते हो और गाइस ये एकदम सही फॉर्म में आ चुका है। और गाइस ये काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट था। गाइस आप इसको ज़रूर बनाना, आपको काफ़ी पसंद आएगी और ईजी रेसिपी है गाइस, ज़्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं इसके लिए। 100 ग्राम मैंने सूजी ली है, 100 ग्राम मैंने चीनी ली है और 40 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 50 ग्राम के करीबन मैंने इसमें डाला है मेल्टेड घी। ये देखिए गाइस बिल्कुल दानेदार बनी हमारी स्वीट और इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर था गाइस, पेड़े की तरह बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्वीट थी। गाइस जैसे आप इसमें मोह में डालोगे ये मोह में ही मेल्ट हो जाएगी, इतना ऑसम टेस्ट था।